तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे जिले के कोरोना के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग या गन्ना विकास और आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि अनलॉक में भी अभी कोरोना संक्रमण का जंग जारी है, इसलिए अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि कोई भी संक्रमण चढ़ाव के बाद उतार पर आता है, लेकिन फिर भी कब चढ़ाव पर आ जाए यह कोई नहीं जानता है। नोडल अधिकारी गन्ना विकास के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि 10% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे 90% लोगों को जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं तथा कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, नहीं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो गैर जमानती है और फाइन भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि लोग खुद संभलें और सतर्कता बरतें हैं, जिससे कोरोना के चक्र को तोड़ा जा सके। नोडल अधिकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को खुद को आगे आना होगा और जिला प्रशासन का साथ देना होगा, जिससे कोरोना की जंग में जीत हासिल हो सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिले के कोरोना के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा, पिछले दो दिन से शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से वरिष्ठ प्रभार में मुझे यहाँ पे नोडल ऑफिसर के रूप में और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय खत्री आए हुए जो जॉइंट एमडी जल निगम है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 20 मार्च से लगातार शासन प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है इस महामारी जो वैश्विक महामारी है उसको रोकने के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो पिछले कई महीनों से हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन अनलॉक के बाद शायद लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी ये हो गई है कि अब ये समस्या ख़त्म हो गई है। समस्या ख़त्म नहीं हुई है। समस्या कोई भी जब भी पहली बार कोई नया पैंडेमिक आता है, महामारी आती है, तो उसका ग्राफ चढ़ता है, फिर वो कई बार उतरता है लेकिन फिर चढ़ता है। तो ये हमें सावधानी बरतनी है कि ये नहीं कि कुछ चीज़ें ठीक हो गई है और अनलॉक कर दिया गया है तो वो फिर से उसको कानून का उल्लंघन करे, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों के बीच कहा था कि 10% से कम लोग जो है जो कानून का पालन नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, प्रोटोकॉल्स जो है व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे, उन 10% से कम लोगों को हम 90% के जान से खिलवाड़ का अवसर नहीं दे सकते और ना छूट दे सकते। इस संबंध में कानून बहुत सख्त है, लेकिन हम लोगों का शासन प्रशासन की मंशा ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कानून लगा करके सबको हम दंडित करें, जेल भेजें, क्योंकि ये नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती है। अगर इस एक्ट के एपिडेमिक एक्ट के तहत हम मुकदमा कर दें तो ये मुश्किल होगा, जिला प्रशासन का मुकदमा करते फिर वो जेल जाएंगे। दूसरा, फाइन्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल बाज़ार में पूरा दिन में हम लोगों ने समीक्षा की और शाम को जब हम लोगों ने देखा तो ये पाया कि काफ़ी लोग थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं, तो उनसे ये अनुरोध किया गया कल और आज से सख्ती बरती जाएगी। और इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम का जगह जगह प्रयोग करके विभागों के जो गाड़ियों पे है, गाँव मोहल्ला दूरस्थ अंचलों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर ये प्रचार प्रसार किया जाएगा कि क्या उनको सावधानियाँ बरतनी है, क्या उनको चीज़ें जिम्मेदारी से करने हैं, और अगर उसके बाद भी अगर कुछ लोग उल्लंघन करते हैं तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, फिर उसमें सख्ती बरती जाएगी। लेकिन उसके पहले एक अवसर देना चाहते हैं कि लोग अपने से संभल लें, क्योंकि कोई भी संक्रमण, कोई भी वैश्विक महामारी कोई एक पक्ष नहीं रोक सकेगा, न पब्लिक रोक सकेगी अकेले, न डॉक्टर्स रोक सकेंगे अकेले, न पुलिस रोक सकेगी अकेली, न शासन रोक सकेगा, न प्रशासन रोक सकेगा। ये हम सबकी को सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है और ये हम शासन की ओर से हम बार बार, पिछली बार भी आप लोगों के बीच हम थे और दो बार पिछली बार भी हम लोग आए थे और भी नोडल अधिकारी आए, ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके करें, क्योंकि इसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका भी एक त्याग हुआ है, उनका भी एक इसमें मेहनत हो रही है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे पुलिस के हो, चाहे हमारे रेवेन्यू के हो, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं आप लोग भी घूम रहे हो, तो ये सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी की प्राण की आहुति हुई है तो उसकी उतना मर्यादा और उतनी इज्जत हमें करनी चाहिए। तो ये हमारा पब्लिक से अपील है और आज से हम रेडियो FM और जितने भी FM और टेलीविज़न और लोकल चैनल्स के है उन सबसे अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे
कि लोग प्रशासन का शासन का सहयोग करें करके, तो फिर हमें जिला प्रशासन फिर यथोचित निर्णय यथोचित समय लेगा।